वेलकम टू जी के बट देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बायोलॉजी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई भी एग्ज़ाम हो इस टॉपिक से तो पेपर में पूछा ही जाता है। और मैंने इसमें मोस्ट ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल तो है ही है। देख लीजिए इन क्वेश्चन को, और मेरा मानना है कि इन्हें रट डालिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार किसी न किसी पेपर में पूछे ज़रूर जाते हैं। तो आपके पेपर लगे हुए हैं तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, मानव में कितने प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। तो बात याद रखिएगा कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये दो प्रकार के पाए जाते हैं, आपके डीएनए और आरएनए। जल में घुलनशील विटामिन्स है, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है ये, हमेशा पेपर में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, जल में घुलनशील विटामिन जो है वो क्या है, विटामिन बी एवं सी। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला प्रमुख रोग है, याद रखिएगा जो बच्चों में प्रोटीन की कमी से जो रोग होते हैं, एक आपका है मेरमेस और एक है क्वासियोकोर। ये दोनों ही रोग क्या हैं, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की गति निर्धारित करता है। तो याद रखिएगा कि पोटेशियम जो है वो हृदय की गति को निर्धारित करता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, शरीर के ताप नियंत्रित करता है, तो ये भी कौन है, पोटेशियम। हृदय की गति एवं शरीर का ताप नियंत्रण दोनों ही कौन करता है, पोटेशियम। शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा। तो शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है, दांतों का इनेमल। ये जो दांत के ऊपर कवर जो होती है उसे बोलते हैं इनेमल, ये सबसे कठोर भाग होता है पूरे शरीर का। लार में एंजाइम का प्रतिशत होता है, तो याद रखिएगा 1% लार में किसका भाग होता है, एंजाइम्स का। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो याद रखिएगा कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। मानव शरीर में दूसरी सबसे बड़ी यकृत ग्रंथि है, याद रखिएगा मानव शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, वो है आपकी अग्नाशय। किस हार्मोन की उपस्थिति के कारण मच्छर काटते हैं, तो याद रखिएगा हिपेरिन हार्मोन की उपस्थिति के कारण हमें मच्छर काटते हैं। हिपेरिन का वर्ग क्या होता है, ये खून को जमने नहीं देता, जिस कारण ये शरीर से रिसता है और मच्छर उसे चूसते हैं। रक्त में शक्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो याद रखिएगा इंसुलिन हार्मोन जो है वो रक्त में शक्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से जो रोग होता है वो याद रखिएगा मधुमेह नामक, जिसे हम लोग डायबिटीज कहते हैं, ये रोग होता है किसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन, याद रखिएगा तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है मनुष्य की लार में। मनुष्य के अमाशय की लंबाई होती है, तो याद रखिएगा 30 सेंटीमीटर। क्लोरोमाइसिटिन किस रोग की दवा है, तो ये दवा है टाइफाइड की। प्लेग नामक बीमारी फैलती है, तो याद रखिएगा घरेलू चूहों से। किस अनुवांशिक बीमारी में रक्त का थक्का नहीं जमता, तो याद रखिएगा हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो याद रखिएगा विटामिन डी की कमी से। आरबीसी का निर्माण होता है, तो ये होता है अस्थि मज्जा में। किस रक्त समूह में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, तो रक्त समूह ओ। लाल रक्त कणिकाओं एवं श्वेत रुधिर कणिकाओं का अनुपात क्या होता है, याद रखिएगा आरबीसी जो होती है 600 और उसमें प्रतिशत होगा वाइट सेल्स का 1%। मनुष्य में गर्भकाल कितने दिनों तक का होता है, तो याद रखिएगा 280 दिन का। बेहोश व्यक्ति को किस अवस्था में लेटाना चाहिए, तो याद रखिएगा सिर नीचा करके। पागल कुत्तों के काटने से होने वाला रोग है, तो हाइड्रोफोबिया जो होता है रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है। सर्पों के दो दांतों के बीच की दूरी होती है, तो याद रखिएगा 2.5 सेंटीमीटर। थर्मामीटर से शरीर का ताप मापने से पहले थर्मामीटर को किस डिग्री पर सेट करना चाहिए, तो याद रखिएगा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। H1N1 किसका लक्षण है, तो याद रखिएगा स्वाइन फ्लू का। पक्षियों में से मानव शरीर में फैलने वाली बीमारी, याद रखिएगा पक्षियों से मानव शरीर में जो बीमारी फैलती है वो है एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसे हम लोग ब्लड फ्लू भी कहते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मलेरिया बुखार होता है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक मलेरिया बुखार पाया जाता है।
सर्वाधिक एड्स पेशेंट किस देश में पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में, और सेकंड नंबर किसका है? भारत का। मनुष्य में आखिरी स्थायी दांत सामान्यतः किस वर्ष तक निकलता है? तो याद रखिएगा 25वें वर्ष तक जो मनुष्य का आखिरी स्थायी दांत निकल सकता है। भारतवर्ष में अब टीबी से ज़्यादा व्यक्ति ग्रसित है, तो किस रोग से ग्रसित है? एड्स से। स्टेम कोशिकाओं द्वारा किस बीमारी का इलाज किया जा सकता है? तो याद रखिएगा कैंसर का इलाज स्टेम कोशिकाओं द्वारा किया जा सकता है। पूरे विश्व में सर्वाधिक क्षय रोगी किस देश में मिलते हैं? तो ये भारत में। पूरे विश्व में कैंसर से मरने वालों की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो याद रखिएगा इंग्लैंड में प्रत्येक वर्ष सर्वाधिक लोग मरते हैं कैंसर से। हेपेटाइटिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो याद रखिएगा यकृत को। पेसमेकर का उपयोग सर्वप्रथम किस देश ने किया? तो याद रखिएगा अमेरिका ने। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भाग के लगभग कितना प्रतिशत होती है? तो याद रखिएगा 7%। महिलाओं में पुरुष की तुलना से कितना प्रतिशत रक्त कम पाया जाता है? तो याद रखिएगा महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 1% रक्त जो है वो कम पाया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। थैंक यू।